उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2015 में 3528 नॉट जॉइनिंग खाली सीट को लेकर उच्च न्यायालय इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे हैं। प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हो। मित्रों, रीट संख्या 26813/2018 का डेट कल दिनांक 11 नवंबर दिन बुधवार को लगा हुआ है। कोर्ट नंबर 71 में जस्टिस एमसी त्रिपाठी जी के बेंच में जो सुनवाई होना है रीट संख्या 26813/2018 का। सीरियल नंबर एडिशनल का लिस्ट में 24 पे लगा हुआ है। टोटल केस कोड नंबर 71 में 135 केस लगा हुआ है। फ्रेश केस 87 और एडिशनल 48 है। टोटल 135 केस लगा हुआ है। डेली कोड नंबर 71 का काफी केस ट्रांसफर होता है अदर कोर्टों में, तो हम आशा कर सकते हैं कि कल भी ये प्रक्रिया हो और हमारा बहस लेंच के पहले हो सके ऐसी दशा। दूसरी बात हमारे अधिवक्ता के द्वारा 10 बजे कोर्ट में उपस्थित होकर कोर्ट नंबर 71 में मेंशन करवाया जाएगा और मेंशन एक्सेप्ट होता है तो इस दशा में भी कल बहस होने का चांस है। ट्रांसफर होता है तो भी इस दशा में बहस होगा। मेंशन एक्सेप्ट होता है तो भी इस दशा में बहस होगा। तीसरी जो बात है वो जो सस्पेंस बरकरार है, 13 तारीख को सीनियर जस्टिस शशिकांत गुप्ता जी का रिटायर हो रहे हैं उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट। कल के बाद लगभग 16 तारीख तक छुट्टी है, अवकाश है उच्च न्यायालय इलाहाबाद में। 17 तारीख को पुनः कोर्ट खुलेगा। इस वजह से जो सस्पेंस बरकरार है, जो जानकारी मिल रहा है कि हो सकता है लंच के बाद कोर्ट ना बैठे। सीनियर जस्टिस शशिकांत गुप्ता जी के अवकाश के जो उच्च न्यायालय इलाहाबाद से रिटायर हो रहे हैं उस वजह से हो सकता है, अभी कन्फर्म। तो ऐसे दशा में थोड़ा मुश्किल हो सकता है जब तो मेंशन एक्सेप्ट ना हुआ, ट्रांसफर नहीं हुआ, तो लगभग 135 केस हैं, तो ऐसे दशा में दिक्कत हो सकता है। लेकिन भगवान ना करें ऐसा हो, या तो डेट लगा है फाइनल आर्गुमेंट के लिए तो बहस हो और केस डिस्पोज हो आर्डर रिजल्ट। हम पूर्ण आशा करते हैं और हमारी कोशिश भी है आज शाम 6 बजे से लेके रात्रि लगभग 9:30 बजे तक समस्त अधिवक्ताओं के संपर्क करके जितना भी ड्राफ्टिंग हुआ था रीट संख्या 26813 काउंटर रिजॉइंडर सप्लीमेंट्री इंटरेक्शन सारी चीजें दोबारा रिहर्सल करवाया गया है, अपने अधिवक्ताओं को अवगत कराया गया है, जिससे बेहतर ढंग से समस्त याची भाई और बहन का मुद्दा पिटीशनर अलाउ का मुद्दा जस्टिस एमसी त्रिपाठी जी के सामने रखा जा सके। तो किसी तरह से हम कोई कमी नहीं रखना चाहते हैं, जितना संभव हो सकता है संघर्ष जारी है और कोशिश से ही हर चीज संभव है। और आज तक हम लोग कोशिश किए, संघर्ष किए हैं, हर एक कोशिश नतीजा में तब्दील किया गया है और हम आशा कल भी करेंगे कि हमारा जो कोशिश है संघर्ष है नतीजे में तब्दील हो और समस्त याची भाई बहनों को दीपावली के पहले एक बहुत बड़ा तोहफा मिले, जीत का उनके भविष्य उज्जवल हो, कल के दिन उनको वर्दी मिलने का रास्ता साफ हो, जिससे जल्द से जल्द हमारे समस्त याची भाई बहनों को वर्दी मिल सके। हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हमारी पूरी टीम की कोशिश है, हमारे समस्त अधिवक्ताओं का कल कोशिश रहेगा। बाकी जस अपजस परिणाम सब ईश्वर के बस में है। हम कोशिश कर सकते हैं, परिणाम अपने हाथ में नहीं है, लेकिन आज तक सिर्फ कोशिश किया गया है और हर एक कोशिश परिणाम में तब्दील हुआ है और कल भी संभवतः ऐसा होगा।
दुर्भाग्यवश जो तो बहस नहीं हो पाता है किसी कारण बस कोर्ट में ट्रांसफर नहीं होता है, मेंशन एक्सेप्ट नहीं होता है, तो ऐसी दशा में फाइनल बहस के लिए जल्द से जल्द डेट लगवाने का भरपूर कोशिश किया जाएगा, क्योंकि ये कोर्ट है। डेली टू डेली जो गतिविधियाँ होता है, दिशा और दशा होता है, हमेशा अंतर दिखने लगता है। आज कुछ है, कल कुछ रहेगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं। सीरियल नंबर 68 पे टेकअप हो सकता है, बहस हो सकता है, तो सीरियल नंबर 24 पे भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा समस्या है, क्योंकि कल के बाद छुट्टी हो जाएगा और इधर जज के वजह से तमाम समस्याएं हैं, लेकिन हमारी पूरी टीम लगी हुई है और हमारे जो सीनियर एडवोकेट है, जूनियर एडवोकेट है, अधिवक्ता भी लगे हुए हैं कि कल ऑर्डर रिजल्ट हो जाए। तो आप लोग घबराइए ना, सुबह लगभग 10 बजे से लेकर 3 बजे तक आप लोग इंतजार करिएगा। बीच में कोई भी अपडेट रहता है तो ऑडियो के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हर ग्रुपों में आप लोगों को अवगत कराया जाएगा, लेकिन अनावश्यक फोन मत करिएगा। हमारी पूरी टीम का कोशिश है, हमारा अति कोशिश है कि कल हर हाल में रिजर्व हो, जिससे हमारे समस्त याची भाई और बहनों को दिवाली के पहले एक बहुत बड़ा तोहफा, उनके भविष्य उज्जवल होने का मिले। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, एक भावी सिपाही हैं, जितना संभव हो सकता है प्रयास जारी है। 3-4 दिन से हमारी पूरी टीम लगी हुई है। आज शाम 6 बजे से लेकर 9:30 बजे तक हम लोग समस्त अधिवक्ताओं से मिल मिल के पूरी बात अवगत कराते आए हैं। ड्राफ्टिंग को दोबारा रिहर्सल कराया गया है, तो जितना संभव हो सकता है प्रयास जारी है और हम आशा करते हैं कि कल के दिन जरूर ऑर्डर रिजल्ट होगा, जिससे एक नजीर पेश हो। तो आप लोग धैर्य बना के रखिए, बाकी जैसा भी होगा 10 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में जो भी अपडेट रहेगा, समय समय पे आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।